जो मेरे नाल होया मैनू इंसाफ दवाया जाए। मैं नहीं चाहती कि कल नू जे मैं आत्महत्या कर लाँ बाद विच मेरे कैंडल कैंडल्स लगाइया जान। ना विवाहता की दर्द भरी दास्तां, प्रशासन नहीं दे रहा इंसाफ। दीनानगर के पास ही रहने वाली एक गांव की नव विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने पहले तो किन्नर कहकर घर से निकालने की कोशिश की, फिर मेडिकल में क्लियर होने पर उसे दाई द्वारा बांझ बनाने का प्रयास किया गया। ससुराल में ही रिश्तेदारों द्वारा उसके साथ नजायज हरकत के प्रयास के बाद उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई। गाँव की सरपंच ने भी नहीं दिया उसका साथ, पुलिस प्रशासन भी कर रहा टालमटोल, पीड़िता आत्महत्या करने को है मजबूर। अब हिंदू संगठनों ने मिलकर पीड़िता को इंसाफ दिलवाने के लिए उठाया प्रदर्शन का रास्ता। आखिर सब सबूत होने पर कानून क्यों नहीं दे रहा ससुराल वालों को सजा? पीड़िता ने कहा कि क्यों भारत में किसी पीड़िता के मरने के बाद निकाले जाते हैं कैंडल मार्च, परंतु जीवित को नहीं मिल पाता कानून द्वारा इंसाफ। देखें इस नाविवाहिता की दुख भरी दास्तां, बूढ़ी माँ नहीं रोक पाई बहते आंसू। आखिर देखते हैं आप क्या करता है पुलिस प्रशासन। दीनानगर से हमारे रिपोर्टर प्रिंस आनंद की विशेष रिपोर्ट। हाँ जी मैम, की नाम तुहाडा और की तुहाडे नाल बीती है? मेरा नाम शिवानी है, मैं पिंड क्यारे की रहने वाली हाँ दीनानगर तो। मेरी शादी 11 मार्च 2020 में हुई सी, पिंड शिबोचक जो कि होशियारपुर जिले से पैंदा है। उत्थे मेरे विआह तो बाद मेरे ससुराल वाले ने मैनू टॉर्चर करना शुरू कर दिता। टॉर्चर इस तरह का कि मेरे थे उन्होंने एलिगेशन लगाने शुरू करते कि तू एक किन्नर है ट्रांसजेंडर, कह के उन्होंने मैनू बदनाम करना शुरू कर दिता। मेरे रिश्तेदार से समाज से मतलब पूरे उन्होंने ये गल्लां फैलाई दी कि ये कुड़ी एक ट्रांसजेंडर है। बाद विच उन्होंने मेरे मासड़ सोहरे ने, मासड़ सोहरा जिसका नाम रघुवीर सिंह है जो कि तलवाड़े का है, तलवाड़े का जो पठानकोट जिले से पैंदा है, उसने भी मेरे नाल साढ़े सहुरे पर घर आ के जबरदस्ती करने की कोशिश की। जो तो मासर सहुरे ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं उन्होंने पिंड की शिबोचक पिंड अपने सहुरे पिंड की सरपंचनी को गई कि मेरे नाल ऐदा मासर सहुरे ने अज जबरदस्ती करने की कोशिश की है, मैनू इन्हों के घर जाने का खतरा भी हैगा। अगों सरपंचनी ने मेरी कोई मदद नहीं की, वह बोलती कि तू इस घर की नूँह है, तू गलू तू दबा देगी तो चंकी रहेगी। फिर मेरी उत्थों कोई मदद नहीं हुई, मैं अपने घरद्या दसिया, घर दे फिर आए पंचायत हुई, फिर भी उन्होंने दिल नहीं भरिया, उन्होंने मैनू जहर गवाने की भी कोशिश की। मेरे घर वाले ने, मेरी सस ने, मेरी ननान ने भी मैनू कहना कि तू किन्नर है, तू इतों चल जा, तेरे सामने अं मुंडे का विह करा, दूसरा विह करा, तू जाना चाहे जे नहीं जाएगी अं तो भी अं मुंडा विह के दसागे तेरे सामने, अं बच्चे भी पैदा करा। तो फिर बाद विच मेरी मास मेरे नाल मैनू इन्होंने एक दाई को भी ले जाया गया। दाई ने मैनू उत्थे बांझ बनाने की कोशिश की, दाई ने ते मासी सस ने जो कि पिंड तलवाड़ा जटा दे है, कश्मीर दाई का नाम कश्मीरो है जो कि पठानकोट जिले च पैंदा है, तलवाड़ा जटा का उत्थों की दाई है। दाई ने मेरे नाल मैनू इत्थों तक कि मैं बयान नहीं कर सकती कि की कीता उन्हें, फिजिकली मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरा इलीगली करन की कोशिश की। मेरा इतों तक कि मेरे घर वाले ने मेरा मोंडा तोड़ दिता, खब्बा मोंडा है, इन्हीं सारिया रिपोर्टा मेरे कोल है। उत्थों उन्होंने मन नहीं भरया, मैं उन्होंने मतलब हूँ इदा है कि वह अपना घर छड के दौड़ चुके हैं तो कि रह रहा, पुलिस वालों कोई कार्रवाई नहीं हो रही। की मांग करते हो प्रशासन तो? मैं ये मांग करनी है कि जेडे मेरे दोषी से, मेरे 6 दोषी से, मेरी ननान जो कि पिंड पुरानी चढ़ोली दी है दीनानगर उन्होंने थाना पैंदा गुरदासपुर जिले जाती है, मेरी मासी सस, मासड़ सोहरा, दाई, मेरी सस, मेरा घर वाला, इन्हां ते जो बनदियां धरावां सी वह नहीं लगाइया गई। 498A का परचा बना के रफा दफा मेरे केस नूं कर दिता गया जबकि इन्हां ते होर भी धरावां लगदियां सी। मेरी मंग यही है कि इन्हां ते जो बनदियां धरावां लगाइया जाण, मेरे को सारे सबूत है, रिकॉर्डिंग्स है, जो होर नहीं तो मेरे घर वाले ने मैनू अननोन नंबर तो फोन करवाने शुरू कर दिते जिन्हां दी चैटिंग मेरे कोल पई है। एक चैटिंग ने जेडे मैनू व्हाट्सएप की कॉल भी आते हैं, गंदे गंदे मैसेज किए जाते हैं, मैनू फोटोज भेजते हैं, इतों तक कि मेरे घर वाले ने मैनू बहुत ज़्यादा बदनाम किया होया। मेरा मेन यही है कि मैनू इंसाफ दिता जाए तो मेरा
उन्होंने सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए पूरे परिवार को सारे के उत्ते।